सोमवार की सुबह रीवा के टीआरएस कॉलेज के मैदान में भारी तादाद में युवा छात्र, शासकीय कर्मचारी सहित अधिकारी उपस्थित रहे। मौका था लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग में मतदान प्रतिशत को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का। इस दौरान कमिश्नर रीवा ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई, साथ ही रैली भी निकाली गई। रीवा के सबसे बड़े कॉलेज के मैदान में हजारों की तादाद में छात्र, अधिकारियों, कर्मचारियों ने पहुंचकर इस बार के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड स्तर पर मतदान कराने की शपथ ली। इस मौके पर कमिश्नर रीवा अशोक भार्गव ने सभी उपस्थित जनों को शपथ भी दिलाई। इसके पूर्व कॉलेज मैदान में मतदान प्रतिशत बढ़ाने संबंधित नाटकों का मंचन भी किया गया। रीवा प्रशासन इस बार चाहता है कि मतदान के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट जाएं। इसको लेकर अधिकारी, कर्मचारी सहित स्वयंसेवी संस्थाओं, स्कूली छात्र छात्राओं सहित आम जनमानस का प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासन हर वह तरीका अख्तियार करने के लिए तैयार है, जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इसी के चलते टीआरएस कॉलेज के मैदान में रंगारंग कार्यक्रम के बाद पूरे शहर में मतदान को लेकर जन जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस पूरे आयोजन को लेकर हमने रीवा कमिश्नर अशोक भार्गव से बातचीत की। Hey, hey, hey.
ए मेरे भाइयों, नहीं है कोई टक्कर में। ए मेरे भाइयों, नहीं है कोई टक्कर में, क्योंकि गब्बर भैया जैसे है वैसे है। मैं हूँ गब्बर। पिछली बार आपने मुझे बहुत मतों से जिताया था, इस बार उम्मीद है आप मुझे फिर जिता देंगे। गब्बर भैया जिंदाबाद, गब्बर भैया जिंदाबाद। दारू बांटूंगा, नोट बांटूंगा, सबको खरीद लूंगा। गब्बर भैया जिंदाबाद। दारू बांट के, नोट बांट के, क्यों भाइयों तो गई ना वोट मुझे। ठीक है, मैं चलता हूँ। गब्बर भैया जिंदाबाद, भाइयों और बहनों नमस्कार। ये हैं हमारे नेता विकास कुमार। अरे नेता हैं काफी ईमानदार, न लेते कोई घूस है, न करते कोई भ्रष्टाचार। पर बेचारे पिछली बार दो वोटों से हार गए। काहे काहे कि पिछली बार मात्र 40% मतदान हुआ था। अगर मतदान पूरा होता तो हमारे भैया विकास कुमार जीत जाते और हमारे गांव का, हमारे शहर का विकास होता, सड़के बनती। ताले ये कहा है तुम्हारे बाप दीन हो या तो तुम्हारे पेटे टचिंग भरा हो या नहीं आया जा रहे हैं यहाँ पर। ओहो कहाँ बच गई मैं। यह बताऊँ तो हमारा प्राण खा ले जान कर दिया ले जाएगा। भागीदारी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अदा की। आगामी लोकसभा चुनाव के दिवस हम सब अपने मताधिकार का उपयोग करें, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र की सार्थकता चुनावों की निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्र संपन्न होने पर होती है। इसलिए सब हम अपने अपने मताधिकार के महत्व को समझें और मताधिकार का उपयोग करें। मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, आप लोग उसको दोहराएंगे। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निर्वाचन की गरिमा को, धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। Thank you.
अरे गुरु इसके बाद स्कूल की बालक बालिका सभी से आग्रह है मैदान के दूसरे छोर पर पहुंची तो मैदान के बीच में खड़े हुए हैं और जहां पर रहा और उसके बाद पद्मनाभ पार्क में इंतजार कर लेना जब एक्टिंग कर लीजिए यहाँ पर आइए चलो चलो।